Assalamu alaikum everyone, my name is Ehtisham Ahmed Birdie and my dear fellow teachers, once again we are back at it again. So today we'll be talking about a few more tips on how to improve your online teaching skills. In the last video, we talked about screen capture software. In this video, we'll be talking about editors. Editors, video editing is a very important skill. Hame as a teacher, I think we all should have this skill, not just for the pandemic, but iske aage bhi hame ye cheez aani chahiye kyunki bahut sare resources hote hain that we can make for ourselves. So let's get back to the PC and let's learn a bit about editing. Assalamu alaikum everyone, today we are going to talk about another software which is called Filmora. अच्छा Filmora बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत डिसेंट सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन इसमें एक बात है कि ये पेड सॉफ्टवेयर है. अच्छा क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है इसलिए जब आप इसकी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको साइट पर एक Filmora का टैग नज़र आएगा, लोगो नज़र आएगा. अगर इफ़ यू आर स्मार्ट इनाफ एंड यू लुक अराउंड द इंटरनेट यू विल फाइंड सोल्यूशंस टू दैट. मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बट अगर आप देखेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ये सोल्यूशन मिल जाए. मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन है. सो एनीवेज इट्स अ प्रीटी डिसेंट सॉफ्टवेयर. अगर आप जब आप शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको फुल फीचर मोड पर जाएंगे. ये सॉफ्टवेयर आपका खुल गया कि ये यहाँ पर आप फाइल्स इम्पोर्ट करेंगे. ये वो जगह है जहाँ पर आपका वीडियो का प्रीव्यू देगा और ये आपकी टाइमलाइन है. सो शुरू करते हैं. अगेन मेरे पास ये डाउनलोड्स का फोल्डर खुला है, मेरा सारा सामान यहीं पे है. इट्स बेटर कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका सारा सामान आप एक ही साथ रखें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी. एनी दिस इज़ अ वीडियो, मैंने पिछले वाले सेशन में भी यही वीडियो यूज़ की थी, अभी भी यही वीडियो यूज़ करूँगा. अच्छा लेट्स टेक इट हियर, ड्रैग एंड ड्रॉप, लेट इट लोड. खैर ये आपका क्लिप आ गया, यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं. ओके सो इसका प्रीव्यू आ गया, देख भी सकते हैं. आई एम रनिंग इट ऑन माई लैपटॉप. माई लैपटॉप इज़ अ थर्ड जनरेशन पीसी विद 4 GB रैम. सो ऐसा कोई ख़ास एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं है, इट्स प्रीटी ओल्ड बट इट्स प्रीटी डिसेंट. इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर बहुत आराम से चल रहा है, तो अगर आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत आसानी हो जाएगी. एनीवेज लेट्स गो थ्रू द सॉफ्टवेयर एंड हाउ द थिंग्स रन. लेट मी प्ले. आप स्पेस बार दबाएंगे आपको प्ले हो जाएगा. आप स्पेस बार भी दबा सकते हैं और आप यहाँ से प्ले का बटन भी दबा सकते हैं. ओके सो अब आपको अगर जैसे आपने यहाँ कट लगाना है, आप एक एक फ्रेम आगे पीछे जा सकते हैं विद योर एरो कीज. सो मैं बैकवर्ड की कीज दबा रहा हूँ तो ये पीछे जा रहा है. ओके लेट्स से अगर मुझे क्लिप यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं कट पे गया, यहाँ पे ऑलरेडी इसने यहाँ पे एक कट डाल दिया. अगर ये चीज़ मेरी यूज़ की नहीं है तो आई जस्ट क्लिक इट, आई जस्ट प्रेस डिलीट एंड इट विल गो अवे. सो अगर आपको फ़ौरन कोई चीज़, कोई भी स्टेप आपने लिया है जो आपको वापस करना है, आप क्या करेंगे, अनडू विच इज़ कंट्रोल जी आपने किया तो आपका एक क्लिप वापस आ गया. एनीवेज दो तीन और कट लगाते हैं ऐसी रैंडमली ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए. यहाँ जैसे हमें कट लगाने, हमने यहाँ पे इस तरीके से भी कट लगा दिया, ये हमारी लाइन के ऊपर कट का साइन होता है, यहाँ पे कट लगा सकते हैं या तो फिर हम आगे ले जाके कहीं भी आगे कहीं भी ले जाके यहाँ से कट कर सकते हैं. ये भी हो सकता है, ये बीच वाला पार्ट है हमें समझ में नहीं आया, हमने जिसको क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऊपर से जाके डिलीट की दबा दी. ठीक है सो ये आपके क्लिप्स हैं. अच्छा अगर आपको फॉर इंस्टेंस ये पार्ट है, ये आपको उठा के आगे पीछे जाना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप सिर्फ इसको क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक इट एनीवेयर यू वांट. जहां आप इसको रखेंगे ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा. ओके सो अनदर प्रीटी डिसेंट फीचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज द टेक्स्ट. यहाँ आप आओगे टेक्स्ट एंड क्रेडिट में. अच्छा ये सिंपल, अगेन ऑल दीज टेक्स्ट आर ड्रैग एंड ड्रॉप. अगर आपको कोई लोअर थर्ड में कुछ चीज़ डालनी है, फॉर इंस्टेंस आपको कुछ नाम डालने हैं या कोई बंदा सामने बात कर रहा है आप उसका नाम डालना है,
कैन पुट समथिंग लाइक दिस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑल एनिमेटेड। अगर ये थोड़ा सा जर्क कर रहा है, जर्क सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं पीछे स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर भी चला रहा हूँ, अदरवाइज अगर ये दिखने में अगर जर्क करे तो इट्स नॉट एन इशू। जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे कोई आपको लैग नज़र नहीं आएगा। एनीवेज लेट्स गो टू द टाइटल्स, टाइटल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेट्स सी। मुझे कि टाइटल बड़ा सही लग रहा है इसके लिए, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अगेन क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बेसिक ड्रैग एंड ड्रॉप हैं, आई कैन जस्ट पिक इट, पिक दम अप एंड प्लेस देम। सो अगर मैं इसको अपनी टाइमलाइन पे देखूं तो लेट मी प्ले दिस वंस अगेन, आपको थोड़ा सा लैग नज़र आ रहा है, बट दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एडिशनल वर्क दैट आई एम डूइंग ऑन द लैपटॉप। आपके लैपटॉप पे ये सही काम करेगा। आई वॉन्ट टू चेंज द टेक्स्ट हियर, द फर्स्ट हेडिंग, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, इधर आया मैं बेसिक सेटिंग्स में, आई इरेज्ड ऑल ऑफ दैट। लेट्स से मैं अपना यहाँ पे नाम डालना चाहता हूँ, इट इज़ बेटर टू पुट योर नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स लाइक दीज। उससे होता ये है कि वो आपका रिसोर्स हो जाता है, दैट इज़ नोन बाय योर नेम। कोई रिसोर्स आप बना रहे हो, इट शुड बी नोन बाय योर नेम। सो लेट मी जस्ट पुट माई नेम देयर, अच्छा आई कम हेयर एंड अब यहाँ पे योर टाइटल हेयर, अगेन आई विल सेलेक्ट द होल थिंग, आई विल डिलीट इट। मेक श्योर आपके जो स्क्रीन जो प्रीव्यू दे रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि ये कभी कभार प्रॉब्लम करता है, तो मेक श्योर दैट एवरी थिंग इज डिलीटेड। यहाँ पे आई प्रेस डिलीट किया कपल ऑफ टाइम्स एंड इट विल ऑल्सो डिसअपीयर। सो लेट मी जस्ट कॉल दिस, History lesson 1. Now it is a little bigger. थोड़ा सा बाहर जा रहा है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इसका font size छोटा कर लूँगा, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, यहाँ से font size छोटा कर हो गया। मैं font change भी कर सकता हूँ depending on my liking. I can make it bold or italic. इसकी formation change कर सकता हूँ, I can actually change the color as well. Simply, अगर आपको टाइमलाइन थोड़ी सी बढ़ानी है या कम करनी है, ताकि आप आराम से देख सकें, तो आप सिर्फ इसको यहाँ से सेलेक्ट करके छोटा करेंगे तो टाइमलाइन आपकी छोटी हो जाएगी, बड़ा करेंगे तो इसको ये आपको ज़्यादा आसानी से नज़र आ जाएगा। कहीं अगर आपकी टाइमलाइन जर्क कर रही है और आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे, ये बटन है रेंडर टाइमलाइन। इससे होगा ये कि जितने इफ़ेक्ट्स जितने आपने डाल दी हैं वो सब एक बहुत स्मूथ तरीके से आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर उनको रीड कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको उनको प्ले करेंगे तो बहुत स्मूथली चलेगा। अभी जैसे थोड़े से जर्क्स आ रहे थे, जब ये रेंडर कंप्लीट हो जाएगा, जब सारे फ्रेम्स रेंडर हो जाएंगे, तो फिर आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। ये रेंडर हो गया है, लेट्स ट्राई टू प्ले इट वन मोर टाइम। सो दैट वाज ऑल अबाउट टेक्स्ट, इसके बाद और चीजें देखते हैं। नाउ अनदर गुड फीचर अबाउट दिस इज ट्रांजिशंस, आप बहुत सारी ट्रांजिशंस इसमें हैं। आपने एक कट पर गए जहां आपने पहले कट लगाया है, आपने ट्रांजिशन पे गए और कोई भी ट्रांजिशन आपने उठा के सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, नाउ यू हैव अ फेड ट्रांजिशन। अब देखिएगा जहाँ पे ये सोल्जर्स, इट गोज डार्क एंड इट गोज कम्स आउट ब्राइट ऑन द अदर एंड। सो ये ट्रांजिशंस हैं, बहुत बेहतरीन ट्रांजिशंस हैं, ओवरलेज हैं, यू नेम इट, बहुत सारी चीज़ें हैं, डू चेक देम आउट। इसमें बहुत सारे इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़े में देखी जो आप कर सकते हो, एंड दे माइट इवन बी यूजफुल फॉर योर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकता है। आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपली फॉर इंस्टेंस
फॉर इंस्टेंस ये एक डीएनए का सैम्पल है, डीएनए का इमेज आपने उठाया, सिंपली ड्रैग ड्रॉप, तो बहुत सारे जो ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये तो हो गया, अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर म्यूज़िक ऐड कर दें कुछ, फिल्मोरा के अंदर अपने बहुत सारे म्यूज़िक हैं, लेट्स से ये बटन है इसको आप प्रेस कर देंगे तो ये इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग, ये वो ट्रैक्स हैं जो फिल्मोरा डाउनलोड करेगा। फिल्मोरा की अपनी लाइब्रेरी है, आपको सिर्फ इसको डबल क्लिक करना है, आपको सिर्फ इसको डबल क्लिक करना है एंड एंड इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। इस पूरे प्रोग्राम की अच्छी बात यह है कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप सिर्फ इसको उठाएंगे और अपनी टाइमलाइन पे डालेंगे। नाउ इट इज़ डन, इसको आपने उठाया, नाउ यू कैन सी नाउ यू हैव गॉट अनदर ट्रैक, ऑडियो ट्रैक। एक ऑडियो ट्रैक वीडियो के साथ साथ नीचे चल रहा है, एक ऑडियो ट्रैक ये है। अच्छा अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा, इट्स एक्चुअली प्रीटी लाउड, इट्स प्रीटी लाउड। सो अगर हमें बैकग्राउंड पर नॉइस चाहिए होती है, बैकग्राउंड पर अगर हमें साउंड चाहिए होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लें, उसको थोड़ा सा आहिस्ता कर लें। तो आप अगेन डबल क्लिक करेंगे, वॉल्यूम के बटन को आपने ले गया, लेट्स से 20% वुड बी फाइन, आई विल बी एबल टू हेयर इट एंड मुझे पीछे से इसकी आवाज़ भी आती रहेगी। अगेन अगर आपको अब सुनाई दे रहा हो तो आवाज़ बहुत बहुत माइल्ड किस्म की आवाज़ पीछे आ रही है, विच इज़ प्रिटी सूदिंग। अच्छा व्हाट आई एक्चुअली डू इज, मैं सिर्फ मैं अगर वीडियो दिखा रहा हूँ तो मैं सिर्फ वीडियो नहीं दिखाता, मैं उसके साथ कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी साथ साथ चलाता हूँ। सो सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये करने का तरीका क्या है, मैंने अपनी पीपीटी खोली, मैंने अपनी पीपीटी खोली और वहाँ से जाके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बहुत सिंपल है, आप अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन करेंगे, आप प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सेव नहीं होगा। उसके लिए आप करेंगे क्या, आप अपने विंडोज़ के पैनल में जाएंगे, यू आर गोइंग टू ओपन पेंट, आप सिर्फ इसके ऊपर जाके कंट्रोल वी कर देंगे विच इज़ पेस्ट, और आपके पास ये यहाँ पे पूरा आपके पास यहाँ पूरा ये इमेज आ जाएगा। इसको आप किसी भी जगह सेव कर सकते हैं, मैं इसको सेव कर देता हूँ ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप आई विल नेम इट डॉक्यूमेंट ए, ठीक है। अब यही आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ दीज, ये स्क्रीनशॉट्स मैंने पहले ही लिए, मैं इनको अगेन ड्रैग करूँगा, आई विल ड्रॉप देम ऑन माई टाइम लाइन, इसको ज़रूरी है कि ये वापस मीडिया पे आए, आई डू इट अगेन, इसको यहाँ से ड्रैग किया, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, पुट इट हेयर। अब मुझे लग रहा है कि ये जो स्लाइड है यहाँ पे जो बात हो रही है इस स्क्रीन के बाद, मुझे लगता है कि हाँ यार मैं यहाँ पे कट डाल के मुझे एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो व्हाट आई डिड, जो उससे रिलेटेड स्लाइड थी वो मैंने इसके आगे लगा दी है। अब ये कंटिन्यूएशन है, मैं यहाँ से अपने वॉइस ओवर पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा, इट्स गोइंग टू शो द पीपीटी स्लाइड। अब मैं इसी तरीके से एक एक स्लाइड इसमें पेस्ट कर सकता हूँ, तो आप सिर्फ चाहें तो वीडियो से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑडियो भी कर सकते हैं। अगेन इसमें एक फीचर और भी है विच इज़ रिकॉर्डिंग योर ऑडियो, अगर आप ऑल्ट आर या आप ये बटन दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ शुरू हो जाएगी। आप रिकॉर्ड करेंगे, ये आपके पास पैनल आ जाएगा, आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे, हेलो माय नेम इज एहतशाम अहमद बर्नी एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर, यहाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग आ गई है जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड की है। अगेन मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी पीपीटी के क्लिप के नीचे लेकर आया, माय नेम इज एहतशाम अहमद बर्नी एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर। मैं अगर चाहूँ कि इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लूँ, अगेन आई एम गोइंग टू डबल क्लिक इट, थोड़ी सी वॉल्यूम को इसके मैं बढ़ा दूंगा, गो बैक अगेन टू चेक इफ इट्स फाइन, माय नेम इज एहतशाम अहमद बर्नी एंड आई एम अ फिजिक्स टीचर, गेट इट। सो नाउ आपने इसी क्लिप में डिफरेंट क्लिप्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया है, आपने ऑडियो लगा ली है, आपने इस पर टाइटल्स लगा दिए, ट्रांजिशंस लगा दिए, आपने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके इसी सॉफ्टवेयर में वापस डाल दी है। अब आपका अगर आपको लगता है आप सेटिस्फाइड हैं कि यार ठीक है ये
जो पूरे क्लिप है इससे ही है, इसको यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। इन वीडियोस में म्यूज़िक का लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाया मैंने सिर्फ आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप ये तरीका समझ लें कि आगे अगर आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको भी लगा सकते हैं। एनीवेज़ दिस इज़ द बेसिक टाइमलाइन। अगर आपको सब सही लग रहा है, एवरीथिंग इज़ स्मूथ, आप ऊपर जाएंगे, आप ऊपर जाएंगे, यहाँ एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ वीडियो, MP4, माइक इन लॉक था, यहाँ आपने इसका नाम लिख लिया, लेट्स से ओके सी क्लास 1 1920x1080p अगेन 1080p अगेन ये वही फॉर्मेट है जिस पे हम हर जगह रिकॉर्डिंग करते आ रहे हैं। 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, एवरीथिंग एल्स शुड रिमेन सेम। बेस्ट करना चाह रहे हैं बेस्ट करते हैं, वरना गुड भी इट्स ओके। थोड़ा सा फ़र्क होता है बट इतना ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज आपने इसको ओके कर दिया, आपने एक्सपोर्ट कर दिया एंड नाउ इट्स गोइंग टू एक्सपोर्ट द वीडियो टू योर डेजिग्नेटेड प्लेस। सो दिस वॉज अ ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू यूज़ फिल्मोरा। फिल्मोरा इज़ अ प्रिटी गुड सॉफ्टवेयर एज यू हैव सीन। एज आई सेड आपको थोड़ा सा ज़रा ढूंढना पड़ेगा, आई विल लिंक इट बिलो, ऑल्दो आई डोंट कंडोन इट बट आई विल पुट द लिंक बिलो फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। और वहीं से आपको फिर एक तरीका भी मिल जाएगा कि आप इसको फ्री किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। द लिंक विल बी डाउन बिलो, यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, इट्स प्रीटी, यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, इट्स प्रीटी डिसेंट। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद समथिंग एल्स। सो हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।